हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चौधरी। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में, डेंटो स्माइल एंड केसेस में। आज मैं आरपीडी केस दिखाने जा रहा हूं आपको। ये एक पीडो पेशेंट का था, ये एक पीडो पेशेंट है, एग्जांपल के तौर पे बनाया गया कंटेनर इसमें दिया गया है। ये आरपीडी है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, एक मिनट। ये आरपीडी है, तो ये पीडो पेशेंट में दिया गया। ये उनमें दिया जाता है जिनमें जैसे अल्ली फॉल हो जाता है टूथ का। अब यहाँ जैसे था, जो हमारा प्राइमरी डेसिडुअस फर्स्ट मोलर था वो जल्दी फॉल हो गया था, जल्दी गिर गया था, ठीक है। तो यहाँ स्पेस आ गया था, तो स्पेस होने की वजह से दांत जो है मूव करते हैं। जब भी फोर्स पड़ेगी इनकी तो ये आगे की तरफ झुकेंगे, ऊपर वाले दांत नीचे आएंगे। और ये जो है स्पेस आने की वजह से जब भी फोर्स पड़ेगी तो ये मूवमेंट होता है टूथ में हल्का फुल्का। ये मूवमेंट धीरे धीरे होते हैं, क्राउडिंग के रूप में हो जाता है। कुछ दांत आगे हो जाएंगे, कुछ पीछे हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाते हैं दांत। तो इसकी वजह से ऐसा कुछ ना हो और नए वाले दांत को आने की प्रॉपर जगह मिले ताकि वो इजीली इरप्ट हो सके, इसलिए हम लोग जो है स्पेस मेंटेनर देते हैं। स्पेस मेंटेनर ऐसा, जैसे इसमें दोनों साइड का प्राइमरी जो है फर्स्ट मोलर ये अल्ली फॉल हो गया था, तो इसलिए हमने आरपीडी दी स्पेस मेंटेनर। इससे ये बच्चे को दिया गया, यहाँ पे एक मोलर है, एक इस साइड का मोलर है, ताकि जो है इन फ्यूचर जब परमानेंट टूथ है, अगर स्पेस रहे, स्पेस क्रिएट कर देंगे हम लोग, ये बच्चा पहनेगा बराबर, जब पहनेगा तो स्पेस क्रिएट रहेगा, ये स्पेस नहीं बंद होगा। तो जब उसका एज हो जाएगा और जब हमारा फर्स्ट परमानेंट हमारा जब आएगा, मोलर इरप्ट होगा, और क्या कहते हैं, हमारे प्री मोलर इरप्ट होता है, वो प्री मोलर आएंगे और फर्स्ट परमानेंट मोलर आएगा तो स्पेस क्रिएट रहेगी, तो ईजिली इरप्ट होने में आराम रहेगा, इजली टूथ इरप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहीं पे स्पेस ना दें तो ये दांत जो है स्पेस नहीं देंगे, तो ये दांत आगे पीछे होंगे, क्राउडिंग होगी, और समय से पहले ये भी फॉल हो जाएगा टूथ। तो हो सके ये टूथ इरप्शन में डिस्टरबेंस कर दे। मानिए आप क्राउडिंग है, आपका परमानेंट फर्स्ट प्री मोलर आ रहा है इस जगह पे, फिर सेकंड आ रहा है, फिर फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया परमानेंट प्री मोलर, तो फर्स्ट मोलर के लिए फिर जगह कहाँ रहेगी? फर्स्ट मोलर तो रहेगा नहीं, ये मानिए। तो इस चक्कर में जब ये इरप्ट हो जाए ताकि स्पेस मेंटेन रहे, तो यहाँ आपका परमानेंट फर्स्ट प्री मोलर आया, फिर परमानेंट सेकंड प्री मोलर, फिर इस जगह पे ये फॉल हो जाएगा, तब तक तो आपके लिए यहाँ फर्स्ट मोलर हो गया, यहाँ सेकंड मोलर आ जाएगा इरप्ट होके। तो इसे आसान रहता है आरपीडी पहनना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पहन सकता है, बस थोड़ा आदत की बात होती है, अटपटा लगता है। बाकी ये उन पेशेंट में, छोटे बच्चों में दिया जाता है ताकि जो है उनमें स्पेस मेंटेन रहे, और स्पेस मेंटेन रहेगा जिसकी वजह से अगर जब परमानेंट टूथ आएंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जगह पहले से बनी रहेगी जब, तो टूथ इरप्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना जब टूथ फोर्स लगाएगा, अगर मानिए यहाँ पे जगह ना रहे टूथ नीचे से फोर्स लगाएगा, यहाँ पहले से प्राइमरी दूध के दांत हैं, फोर्स लगाएगा तो ऊपर के दांतों पे जो नीचे से आ रहा है तो ये टेढ़े मेढ़े होंगे, क्राउडिंग हो जाएगी बच्चे का, फिर ऑक्लूजन सही में नहीं आएगा, कुछ आगे आएंगे, पीछे आएंगे, उबड़ खाबड़ दांत हो जाएंगे, तो वो आगे चल के दिक्कत क्रिएट करते हैं, जिसके लिए फिर ऑर्थो ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और ऑर्थो ट्रीटमेंट जान ही रहे हैं बच्चे छोटे, जल्दी जो है जब तक 12 साल के नहीं हो जाते तब तक ऑर्थो ट्रीटमेंट होता नहीं है, और बच्चे जल्दी प्रिफर नहीं करते हैं, उन्हें दिक्कत होती है ऑर्थो ट्रीटमेंट में और डरते भी हैं काफ़ी, इसलिए। तो ये सब चीज़ें छोड़ लेंगे तो ये आगे के लिए मतलब समझ लीजिए यूज़फुल रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे के लिए बचाव रहेगा, इजीली टूथ इरप्ट होंगे तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी उसको आपने बाईपास कर दिया है स्पेस मेंटेनर देके, तो इसलिए हम लोग स्पेस मेंटेनर देते हैं। चलिए फिर यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कुछ ऐसी क्वेरी हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जो है बियॉन्ड स्माइल डेंटल केयर नाम से है, बियॉन्ड स्माइल डेंटल केयर, बियॉन्ड स्माइल।
एक तरह का डेंटल केयर रहेगा, तो स्पेस रहेगा, बियॉन्ड स्माइल एक साथ लिखना है। तो आप ये टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी खुल जाएगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पूछ नॉर्मली कुछ कमेंट करना हो, कुछ आप राय मशवरा अपना पूछना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली इसमें यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको बता ही दी, कोई भी क्वेरी हो कुछ हो तो वहाँ मैं देख लिया करता हूँ। तो कोई स्टूडेंट हो या कोई भी अदर पर्सन, नॉर्मल पर्सन भी कोई कुछ पूछना चाहता है किसी केस से रिलेटेड या किसी बच्चे, छोटे बच्चे से रिलेटेड, तो पूछ सकता है। और बाकी अगर के किसी को मेरी अपॉइंटमेंट लेनी है या कुछ लेना है, तो मेरा नंबर मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। मैं लखनऊ इंदिरा नगर में बैठता हूँ, और आप चाहे तो मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा बियॉन्ड स्माइल डेंटल केयर है मेरा, इंदिरा नगर दीनदयालपुरम से तकरोही बाज़ार में। ठीक है, तो आप इस पे भी पूछ सकते हैं, आके दिखा सकते हैं अपने केस बच्चे को, या किसी एडल्ट को किसी को कोई दिक्कत हो, तो मैं कोशिश करूँगा उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिया जाए, आराम मिले और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, ओके, बाय बाय।